हम में से ज्यादातर लोगों के पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, राइट? बट वो होते हैं फिजिकल फॉर्म में, जिन्हें हम अपने वॉलेट में रख सकते हैं, हम छू सकते हैं और अब उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब बात हो रही है यहाँ पे वर्चुअल डेबिट और क्रेडिट कार्ड की, जिनको हम छू नहीं सकते, जो हमारे बटुए में रखे नहीं जा सकते। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, देश में डिजिटल इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और इस कारण से वर्चुअल डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ रहा है। आज हम आपको बता रहे हैं वर्चुअल डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कितना सेफ है या नहीं। फिजिकल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के डिजिटल वर्जन को वर्चुअल कार्ड्स कहते हैं। इस कार्ड की खास बात यह है कि ना तो एक गुम हो सकता है, ना चोरी हो सकता है और ना ही कोई इसको देख के इसका गलत उपयोग कर सकता है। जब भी कोई कस्टमर डिजिटल कार्ड का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे 16 डिजिट का एक यूनिक नंबर मिलता है, जिसे केवल एक बार ही यूज़ किया जा सकता है। अगर आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने डेबिट कार्ड को डिजिटली भी प्राप्त कर सकते हैं, जबकि एक डिजिटल क्रेडिट कार्ड तभी मिलता है जब एक कस्टमर के पास फिजिकल क्रेडिट कार्ड नहीं है। अगर आप भी डिजिटल क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखें कि अपनी कार्ड डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें। अपने कार्ड में 2-स्टेप ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट करें, जिससे फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाएं। इसके साथ ही वर्चुअल कार्ड में डेली इस्तेमाल की एक लिमिट जरूर सेट करें, जिससे फ्रॉड होने की चांसेस और भी कम हो जाएं। तो अगर आप भी डिजिटल डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।